subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान में RPSC के द्वारा स्कूल लेक्चरर, जी हाँ दोस्तों, स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई है और साथ ही इसका जो सिलेबस है वो भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों का ही सिलेबस जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को भी पता है कि दोनों ही पेपर में थोड़ा थोड़ा बदलाव किया गया, यानी कि जो सिलेबस है पाठ्यक्रम है उसमें कुछ चीज़ें नहीं जोड़ी गई और कुछ चीज़ें हटाई गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी विषय से अगर आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, हिंदी विषय से अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो जो सिलेबस बदला है उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, जी हाँ दोस्तों, अब आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है एक बेहतर तैयारी करने के लिए, तो मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा साथ में। तो दोस्तों, पूरा वीडियो आपको देखना है, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके दिलो दिमाग में नहीं रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरे और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिल सके। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। देखिए, RPSC के द्वारा फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का ही सिलेबस जारी कर दिया गया है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ हिंदी विषय पर। जी हाँ दोस्तों, हिंदी विषय की बात करें तो देखिए दोस्तों, इस पर मैंने पहले भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना रखे हैं, स्पेशली स्कूल लेक्चर जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करने के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाकर चैनल पर डाला हुआ है। लेकिन अब जो है सिलेबस चेंज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो चेंज करने के साथ ही कुछ चीज़ें, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ टॉपिक नए जोड़े हैं, कुछ टॉपिक कम किए गए हैं, तो आपको अब कौन सी बुक्स पढ़नी है एक बेहतर तैयारी करने के लिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम उच्च माध्यमिक स्तर। देखिए, उच्च माध्यमिक स्तर की बात करें तो इससे पहले कक्षा 11वीं और 12वीं की किताबें आपको पढ़नी होती थी जो स्कूल्स में चल रही है, लेकिन इस बार जो सिलेबस जारी किया गया है हिंदी विषय में, तो इसमें कक्षा 11वीं और 12वीं की बुक्स आपको नहीं पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको किताबें नहीं पढ़नी है, सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है किताबों में से जो आपके सिलेबस में शामिल हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ, कौन सी बुक्स पढ़नी है कि संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची विलोम, ये जो सारी चीज़ें हैं ये व्याकरण से संबंधित है, वाक्य शुद्धिकरण, अर्धशासकीय पत्र, ये सारी जो चीज़ें हैं वे ये व्याकरण से संबंधित चीज़ें हैं। तो इनके लिए आप जो किताब मैं सजेस्ट आपको करना चाहूँगा, दो किताबें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, दोनों में से कोई सी भी एक किताब आप खरीद सकते हैं। देखिए, एक किताब तो है भाषी की व्याकरण, हिंदी भाषी की व्याकरण, प्रोफेसर राम लखन मीणा। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसर राम लखन मीणा की पुस्तक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी राजस्थान से निकली हुई, हिंदी भाषी की व्याकरण। या तो आप ये ले लीजिए या फिर आप राघव प्रकाश की जो हिंदी है, राघव प्रकाश की जो हिंदी व्याकरण आती है वो आप पुस्तक ले लीजिए। दोनों में से कोई सी भी एक आप ले सकते हैं, या तो ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, दोनों में। अब इसमें देखिए, दोनों ही किताबें आप देख लें दुकान पे जाके, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे वो किताब आप खरीद सकते हैं, बाकी एक किताब इन दोनों में से आपके लिए पर्याप्त है इन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, यहाँ पर दो टॉपिक निचोड़ दिए हैं, जनसंचार के प्रमुख माध्यम लेखन और पत्रकारिता, इसके साथ ही कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, इन सारी चीज़ों को लेकर के भी ये जो दो टॉपिक हैं, तो दोस्तों इनमें से भी प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो इसके लिए मैं आपको किताब बताना चाहूँगा कि जो 11th और 12th है, जी हाँ दोस्तों, 11th और 12th जो स्कूल्स में जो किताबें चल रही हैं इनमें एक किताब है जनसंचार, इस तरीके से किताब है पत्रकारिता एवं जनसंचार के प्रमुख माध्यम, ऐसे कुछ करके किताब है, तो वो आप ज़रूर ले लें। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 11वीं और 12वीं में एक ही किताब चलती है, दोनों ही क्लास के लिए एक ही किताब है, जनसंचार एवं पत्रकारिता, इस तरीके से एक किताब है, तो उसमें ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इनको ज़रूर पढ़ें। वहाँ से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप इसमें से अगर सवाल पूछे जाएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कौन सी किताब आपको पढ़नी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 11, 12 में कंबाइंड एक किताब चलती है जनसंचार एवं पत्रकारिता, तो वो किताब पढ़नी है आपको। अब वो पूरी किताब नहीं पढ़नी, आपको केवल यही टॉपिक पढ़ने हैं जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में यहाँ पर दिए हुए, इन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है, बाकी और को नहीं पढ़ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, इसी में एक और खंड है शब्द शक्ति, जिसमें तीनों शब्द शक्तियाँ हो गई, अलंकार, छंद, काव्य गुण, काव्य रस,
तो ये जो चीज़ें हैं तो इनके लिए मैं आपको बुक जो है वो सजेस्ट करना चाहूँगा। देखिए अलंकार पारिजात एक किताब है, अलंकार पारिजात, जी हाँ दोस्तों अलंकार पारिजात, ये नरोत्तम दास स्वामी इसके लेखक है, राइटर हैं। तो ये किताब आप ख़रीद लें, छोटी सी किताब है, इसमें सारी चीज़ें आपको एक जगह बहुत अच्छे से मिल जाएगी, तो यहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए उच्च माध्यमिक स्तर के बाद बात करते हैं स्नातक स्तर। स्नातक स्तर से भी कुछ चैप्टर आपके जो सिलेबस है उसमें शामिल किया गया है। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास है। अब इसमें इतिहास लेखन की परंपरा है, प्रमुख ग्रंथ हैं, इतिहास लेखक, काल विभाजन, नामकरण, इसके साथ ही आदिकाल की बात करें तो इस आदिकाल की जो प्रामाणिकता जैसे पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रवृत्तियाँ, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। चंद्रवरदाय और नरपति नालय इन दोनों को विशेष आपको देखना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो कवियों के नाम स्पेशल दिए हुए हैं, चंद्रवरदाई और नरपति नाला, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसी तरह भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल में भी वही सारी चीज़ें, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, और इनमें भी आपको इन कवियों को विशेष रूप से देखना है। देखिए ये जो चारों काल हैं, चारों काल के सभी कवि हैं उनको तो आपको देखना ही है, लेकिन ये जो स्पेशली दिए हुए हैं जैसे चंद्रवरदाई, नरपति नाला, संत, भक्ति काल की बात करें तो कबीर दादू, जायसी, मंजन, तुलसीदास, सूरदास, मेरा नंदास, इनको आप थोड़ा सा अच्छे से देखें, यानी कि इनकी सभी रचनाएं हैं और उनका जो प्रकाशन वर्ष है यानी कि इनकी जो सन है वो आप देखें, कौन सी रचना में क्या बताया गया है वो भी आप ज़रा सा देख लें, तो मेरे ख्याल से आप जो है पेपर में क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप उसका जवाब दे सकेंगे। तो इन जो कवि हैं, ये जो कवि हैं इनको आप थोड़ा सा अच्छे से विशेष रूप से देख लें। इसके बाद रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल में भी यही चीज़ें हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध जो कवि हैं, सामान्य प्रवृत्तियां हैं, और देवभूषण बिहारी घनानंद इनको आप विशेष रूप से देख लें। आधुनिक काल की बात करें तो देखिए आधुनिक काल में भी गद्य का उद्भव है, नवजागरण, भारत, हिंदू युग आ गया, उनके साहित्यकार हो गए समकालीन। इसके बाद गद्य की विविध जो विधाएं हैं जैसे नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, ये सारी चीज़ें आप जो सिलेबस में दी हुई है इनको आप अच्छे से पढ़ें। इनके लिए अब जो किताब आपको पढ़नी है, जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा वो किताब दोस्तों ये है कि जो नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम पहले हुआ करते थे, यानी कि जो पुराना पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पुराना पैटर्न है नेट जेआरएफ एग्ज़ाम का, आपको पता होगा दोस्तों पहले नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के तीन पेपर हुआ करते थे जिसमें एक पेपर कॉमन होता था और दो पेपर विषय के होते थे, सब्जेक्ट के होते थे। तो दोस्तों दो पेपर विषय के होते थे तो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज़ की किताब आया करती थी जिसमें जो तीन पेपर, जैसे फर्स्ट पेपर तो हो गया कॉमन और सेकंड पेपर हो गया हिंदी का और थर्ड पेपर हो गया हिंदी का, यानी कि दो पेपर सेकंड और थर्ड हिंदी के लगते थे। तो सेकंड पेपर के लिए स्पेशली एक बुक आती थी, जी हाँ दोस्तों प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, मैं बात कर रहा हूँ प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, आप नाम नोट कर लीजिए, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की सेकंड पेपर की बुक, जो पुराना पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न, अभी तो फिलहाल नया पैटर्न है जिसमें दो ही पेपर लगते हैं, फर्स्ट कॉमन और सेकंड आपका सब्जेक्ट का, ये वाली किताब नहीं लेनी है। अगर मार्केट में आपको पुराने पैटर्न वाली प्रतियोगिता साहित्य सीरीज सेकंड पेपर की मिल जाए तो आप ले लेना, वो बहुत अच्छी किताब है, शानदार तैयारी उससे आपकी हो जाएगी। और अगर ये किताब आपको नहीं मिलती है तो फिर आपको कौन सी किताब लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर प्रतियोगिता साहित्य सीरीज पुराने पैटर्न वाली नहीं मिलती है तो इसकी जगह आप ले सकते हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जी हाँ दोस्तों हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे इसके राइटर हैं, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे इसके राइटर हैं, बहुत अच्छी किताब है। तो इसमें से आपका जो ये स्नातक स्तर का जो सिलेबस है ये पूरा आराम से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं बता दूँ इसके साथ इन किताबों में आपको शब्द, ये छंद, अलंकार, काव्य रस, काव्य गुण ये भी मिल जाएंगे, और साथ ही आगे स्नातकोत्तर स्तर की बात करें तो काव्य हेतु, लक्षण, प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ये जो सिद्धांत है वक्रोक्ति, ध्वनि सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लोवेनजाइनस का उद्दात्त मनोविश्लेषणवाद, ये सारी चीज़ें भी आपको इन्हीं दोनों किताबों में मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों प्रतियोगिता साहित्य सीरीज का पुराना पैटर्न है उसकी सेकंड पेपर या फिर
हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे गोविंद पांडे, ये किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो इनमें आपके हिंदी साहित्य का जो इतिहास है कंप्लीट ये भी तैयार हो जाएगा, और इसके साथ ही आपका स्नातकोत्तर स्तर का ये जो तीन चीज़ें हैं ये भी आपकी उसमें क्लियर हो जाएगी। और फिर भी आप चाहें कि ये जो चीज़ें हैं स्नातकोत्तर स्तर पर, तो इनके लिए अगर आप अलग से कोई राइटर की किताब लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए कुछ रचनाएँ यहाँ पर जोड़ी गई है, कबीर ग्रंथावली, रामचरितमानस, बिहारी रत्नाकर, साकेत, मैथिली शरणगुप्त। अब इसमें आपको देखिए कबीर ग्रंथावली का जो गुरुदेव का अंग है इसके प्रारंभिक केवल 5 ही पद पढ़ने हैं, और वो भी कौन सी किताब होनी चाहिए, संपादन श्याम सुंदर दास का होना चाहिए, रामचरितमानस तुलसीदास की, इसका पूरा बालकांड आपको पढ़ना है। बिहारी रत्नाकर का संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है, इसके प्रारंभिक 25 दोहे ही आपको पढ़ने हैं। साकेत का केवल 9वां सर्ग आपको पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। निबंध की बात करें तो देखिए कविता क्या है, चिंतामणि का जो पहला भाग है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो आपको केवल एक ही निबंध पढ़ना है, शीर्ष के फूल हो गया, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इस तरीके से ये निबंध आपको पढ़ने हैं। कहानियों की बात करें तो कफन, प्रेमचंद, पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद, यही सच है, मन्नू भंडारी, और हिंदी भाषा इसमें उद्भव और विकास, बोलिया, उपबोलिया, राजभाषा और देवनागरी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए बुक्स अगर मैं सजेस्ट करूं आपको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों वैसे तो आपको अलग अलग ये जो किताबें हैं मूल किताबें हैं वो ही लाकर आपको पढ़नी चाहिए, और अगर पढ़ेंगे तो शायद मेरे हिसाब से बेहतर होगा, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप चाहें तो मार्केट में सारी जो रचनाएँ हैं जो स्पेशली स्कूल लेक्चर के सिलेबस में शामिल है इनको लेकर के भी किताबें मार्केट में आनी शुरू हो गई है, तो आप कंप्लीट ये जो स्नातकोत्तर वाला जो चैप्टर हैं तो ये भी आपको एक ही जगह किताब में मिल जाएगा, तो वो भी आप खरीद कर पढ़ सकते हैं अगर आप अलग अलग नहीं पढ़ना चाहते हैं। और दोस्तों ये जो कहानियाँ निबंध हैं ये जो मेरा YouTube चैनल है जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं इस पर ये सारी कहानियाँ और निबंध जो है वो उनके वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो वो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। हिंदी भाषा की बात करें तो दोस्तों ये जो चैप्टर है ना ये भी आपको उन्हीं किताबों में मिल जाएंगे जिन दो किताबों का नाम मैंने अभी आपको सजेस्ट किया था, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज़ या फिर हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उसी में आपको ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 30 प्रश्न आपके शिक्षा मनोविज्ञान के आते हैं, जी हाँ दोस्तों साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 30 क्वेश्चन, ये आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए साइकोलॉजी के लिए दो किताबें मेरे हिसाब से बेहतर है, एक आती है श्रेष्ठा किताब आती है, राइटर हैं इसकी सुप्रिया गौड़, जी हाँ दोस्तों सुप्रिया गौड़ श्रेष्ठा। दूसरी किताब है वंदना जादौन की आती है जो प्रभात पब्लिकेशन के नाम से आती है, वंदना जादौन। तो ये अगर आप चाहें समय हैं तो ये दोनों किताबें आप पढ़ लें, अगर दोनों किताबें नहीं पढ़ना चाहते तो एक किताब भी पर्याप्त है, आप श्रेष्ठा ले लें या प्रभात ले लें, दोनों में से एक किताब भी पर्याप्त है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक किताब में पूरे चैप्टर नहीं मिलते हैं, तो सेकंड कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो दूसरी किताब में बेहतर है तो इसमें सही नहीं है, तो इस तरीके से आप चाहे तो दोनों किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और इसी के साथ पिछले जितने भी स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम हुए हैं, जी हाँ दोस्तों पिछले जितने भी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो 30-30 क्वेश्चन आए हुए हैं साइकोलॉजी के उनको ज़रूर आप देख लीजिएगा, यानी कि अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं स्कूल लेक्चरर के 2-3 वैकेंसीज हो चुकी है पिछले कुछ वर्षों में, तो उनमें जो 30-30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आए हुए हैं तो इनको भी आप अच्छे से याद करके जाए मार्केट में आपको मिल जाएंगे, या फिर जो किताबें मैंने सजेस्ट की उनमें भी ये मिल जाएंगे। तो पुराने पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं साइकोलॉजी के उनको ज़रूर देख के जाएँ, अच्छे से याद करके जाएँ, इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए दोस्तों इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान में रख लीजिएगा कि आपको पुराने जो पेपर हैं साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं उनको भी अच्छे से पढ़ के याद करके जाना है। तो दोस्तों इस तरीके से ये था आपका सिलेबस, और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको किताबें बता दी। फिर भी अब देखिए कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो ये चाहते हैं कि सर सारा मैटर एक ही जगह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सारी किताबें मैंने आपको बताई है इनके अलावा अगर आप एक अच्छी सी गाइड भी लेते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों अगर आप एक अच्छी सी गाइड और ले लेते हैं जिसमें कंप्लीट स्कूल लेक्चरर का
पूरा जो मटेरियल है वो आपको एक ही किताब में मिल जाएगा, तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो इसको भी आप साथ में पढ़ते रहे, यानी कि जिस चैप्टर को आप यहाँ किताबों से कंप्लीट कर रहे हो उसी चैप्टर को आप एक बार गाइड में भी देख ले। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, एक बहुत अच्छी आप तैयारी कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर आप ढंग से तैयारी करते हैं, प्रॉपर कंटिन्यू आप स्टडी करते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ इन किताबों को पढ़ते हैं, तो आपको ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड प्रमाणिक किताबें आपको पढ़नी हैं। जो किताबें मैंने बताई वो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इनको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जो आपको बेहतर लगे इससे भी अच्छी किताबें अगर आपको मिलती है तो वो आप ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आप सभी के लिए। इसी के साथ कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।